नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube के इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पर आयुर्वेदिक उपचार और आयुर्वेदिक पौधों की पहचान कराता हूं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा करके सब्सक्राइब हो जाइए, और जो घंटे का बटन दिख रहा है उसको भी दबा करके ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो आसानी से मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ बहुत ही चमत्कारिक और शानदार पौधा जिसका नाम है नागबला। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको पहले अतिबला से पहचान करवा दिया था, अगर नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम नागबला की पहचान और इसके आयुर्वेदिक गुणों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, ये है नागबला का पौधा। इसको खरेटी के नाम से भी जाना जाता है, क्षेत्रीय भाषा में बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। आप वीडियो को देख करके समझ जाइए, वीडियो को देख लीजिए और वीडियो को देख करके पहचान लीजिए कि नागबला का पौधा ऐसा होता है। आप वीडियो में देख रहे होंगे, इसके जो बीज और फल हैं वो गांठों में होते हैं, 2 से 3 होते हैं। इसकी आप पत्तियों को भी देख सकते हैं, इसकी पत्ती जो होती है वो थोड़ी सी नुकीली होती है। सामने की ओर आप देखेंगे तो आपको नुकीली दिखेगी और साइड की तरफ देखेंगे हल्की कटीली कटीली सी पत्तियाँ दिखती हैं। इसकी आप आसानी से पहचान कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी पत्तियाँ नहीं होती हैं इसकी, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। इसकी एक खास बात यह है कि इसके फूल जो होते हैं वो पीले रंग के होते हैं पर पूरी तरह से खिल नहीं पाते, यानी कि बड़े नहीं होते, हल्के बस हल्के हल्के छोटे छोटे से ही आपको दिखाई देंगे इसके फूल जो है। ये ज़्यादातर नदी नालों में पाई जाती है, बंजर जमीन में भी आसानी से दिख सकती, कहीं भी उग जाती है, कहीं भी किसी भी जगह में उग जाती है, पर आप इसको पहचानते नहीं होंगे इसलिए आप उसको कभी ध्यान से नहीं देखा होगा। पर जब आप इसकी पहचान कर लेंगे और इसके आयुर्वेदिक गुणों के बारे में जान जाएंगे तो आप इसे देख करके ही पहचान जाएंगे कि हाँ, ये तो नागबला का पौधा है। तो वैसे ही दोस्तों, मैं वीडियो के माध्यम से ही सबको सारे औषधियों से आपको अवगत तो करा ही चुका हूँ, और धीरे धीरे जितना मेरे संज्ञान में आता जाएगा मैं आपको इनसे अवगत कराते जाऊँगा। इसी कड़ी में ये नागबला का पौधा है दोस्तों, आप इसकी पहचान इसके फूलों और पत्तियों से भी आसानी से कर सकते होंगे। यह ज़्यादातर बंजर जमीन में भी दिखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आपने इसकी पहचान तो आसानी से करवा दी, हमने इसकी पहचान तो आपको करा दी है, पर चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से रोगों में हम इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों, अगर आप इसकी पत्तियों की सब्जी बना करके, मतलब जो साग जो बनती है, जैसे लाल भाजी हो गया, मेथी भाजी हो गया, उस प्रकार से अगर आप इसकी भाजी बना करके खाते हैं तो ये दोस्तों, ये टीबी के जो कीटाणु होते हैं उनको मारने में काफ़ी कारगर होते हैं इसके पत्ते। तो इसलिए अगर टीबी के रोगियों को अगर इसकी पत्ती की अगर सब्जी खिलाई जाए, जैसे आप बनाते वैसे ही नॉर्मल तरीके से बनाइए, कोई एक्स्ट्रा इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल आप सब्जी बना करके खा सकते हैं इसकी। तो इससे दोस्तों टीबी के रोगियों में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है। और दोस्तों, अगर किसी भी बच्चे या फिर कोई किसी भी वयस्क आदमी की अगर उसकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं तो ये आंखों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती हैं इसकी पत्तियाँ। इसकी पत्तियों को आपको क्या करना, 2 से 3 आप इसकी पत्तियाँ ले लीजिए, अच्छी जगह पर लगा हो पौधा या फिर घर पर ला करके लगा लीजिए, तो उसको उसकी जो है 2 पत्तियाँ जो है आप सुबह जो है खाली पेट चबा चबा करके आपको खाना है, चबा चबा करके आप खा लीजिए। और अगर दूध हो तो आप गाय का दूध भी इसके साथ में पी सकते हैं, काफ़ी मतलब इतना ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है आँखों के लिए भी। तो जिन बाला के अब वयस्कों में बच्चों में आँखों की कमजोरी अगर अभी से आ गई हो तो उनको आप ये दे सकते हैं, उनकी आँखों में 1 महीने तक अगर आप देंगे तो आँखों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा मिलेगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो ये तो दोस्तों इसके पत्ते की, अब जानते हैं इसके बीज क्या क्या फायदे करते हैं। दोस्तों, अगर आप इसके बीजों का चूर्ण बना करके रख लें, इसका सेवन आपको दूध के साथ में, अगर दूध हो गया, दही हो गया या फिर घी हो गया, उसके साथ में अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये शरीर में होने वाली काफ़ी सारी बीमारियों को ये दूर कर देती है। ये काफ़ी अच्छी रक्त शोधक होती है, जिससे खांसी, सर्दी, जुकाम, दिल की बीमारियों को भी ये दूर करता है। जी हाँ दोस्तों, दिल की अगर बीमारी किसी को, तो आप इनको घी के साथ में खिलाइए, दूध के साथ में खिलाइए, काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। ज़्यादा नहीं खिलाना आपको, 1 चुटकी खिलाना सिर्फ। और दोस्तों, जिन अगर माता बहनों, दोस्तों एक और खास बात है कि जिन माता बहनों में अगर स्तनों में दर्द रहता हो या फिर कड़ापन आ जाता है तो उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती है। आपको क्या करना है, इसकी कुछ ताज़ी पत्तियों को लेना है आपको और उसको अच्छी तरीके से लेप बना लेना, मतलब पीस लेना है, हल्का पानी डाल करके पीस सकते हैं, तो उसको पानी में आप पीस लीजिए और पीस के इसका लेप बना करके स्तनों पर आप लगाएंगे और 15 से 20 मिनट तक आपको इसमें रखना है, स्तनों पर रखिए, तो 1 से 2 महीने के अंतराल में आप देखेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा और
जो आपकी समस्या और समस्या से भी यह निजात दिलाने में सक्षम होता है। दोस्तों इसकी पत्तियों को भी आप चेहरे पे भी लगा सकते हैं। अगर आपके चेहरे में पिंपल्स हैं, अगर फुंसियाँ हो गई हैं, तो आप कुछ नहीं कीजिए, इसके पत्ते लीजिए और थोड़ा सा आपको शहद मिलाना है। शहद के साथ में आप इसको चेहरे पर लेपित कीजिए। काफ़ी ज़्यादा जो जिनकी ऑयली स्किन होती है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है इसका इस्तेमाल से। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे कि जो व्यक्ति कमज़ोर हो, चाहे वह शारीरिक हो या फिर यौन समस्या से पीड़ित क्यों ना हो, अगर इसका सेवन करता तो वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और राष्ट्रपुष्ट हो जाएगा, यानी बलवान भी बलवान हो जाएगा। वो काफ़ी स्वस्थ, मतलब जब आप समझ सकते हैं कि जब ये रक्त शोधक है, एक अच्छा रक्त शोधक है, तो ये काफ़ी सारी समस्याओं में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और एकदम वह स्वस्थ हो जाएगा और स्वस्थ काया पाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों, ये आज हमने आपको वीडियो के माध्यम से इसके नागबला की पहचान करा दी है, खरेटी भी बोलते हैं। आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से पहचान कर लीजिए इसकी। काफ़ी सारी ये बाकी महाबला हो गया, बला हो गया, अति बला हो गया, ये सारी यौन समस्याओं के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद में होती हैं। वैसे ही एक नागबला है, इसका भी काफ़ी फ़ायदा होता है। नागबला भी बहुत प्रकार की होती हैं, बड़ी नागबला होती है, छोटी नागबला होती है, ये हमने आपको मीडियम नागबला से अवगत कराया है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने आपको पहचान करा दी है नागबला से और इसके फायदे भी हमने आपको बताए हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और नए आयुर्वेदिक पौधे और उसके आयुर्वेदिक गुणों की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। हर हर महादेव।